आज की वीडियो CFF1 दैट इज एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टूडेंट्स के लिए है, और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में ये CFF1 FFR का कोर्स किस तरह से और किस मेथोडोलॉजी के तहत कवर करवाया जा रहा होता है, इस सब्जेक्ट की क्या मोडालिटीज है, सब्जेक्ट में क्या कवरेज है, सब्जेक्ट का क्या सब्जेक्ट साइज है, कुछ सारी बातें हम इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। How does SIRMQ teach a CFAP 1, Advanced Accounting and Financial Reporting at IQ School of Finance? Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Qaid, Faculty Member for Financial Reporting at IQ School of Finance. CFAP 1 FFR का जो ये subject है ना, वो CA के 20 पर्चों में सबसे ज्यादा lengthy subject है in terms of class hours. Class duration of AAFR are more than 250 hours. अगर मैं सीए फाइनल के बाकी सब्जेक्ट की बात करूं, मैं टैक्सेशन की बात करूं, मैं ऑडिट की बात करूं, मैं एसपीएम की बात करूं, तो इनकी क्लासेस कुछ 150 आवर्स के आसपास की होती है। इवन अगर मैं लॉ की बात करूं तो लॉ की भी क्लासेस 6 महीने में इजीली मैनेज हो जाती है, 150 आवर्स के दरमियान इसकी क्लास आवर्स चल रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं एफएफआर की, तो एफएफआर का कोर्स सबसे ज्यादा जायंट है इन टर्म्स ऑफ क्लास आवर्स। जहां बाकी सब्जेक्ट के कोई 150 टू 180 आवर्स के लेक्चर्स होते हैं, एफएफआर का जो क्लास ड्यूरेशन है, जो नंबर ऑफ आवर्स के लेक्चर्स हैं, वही कोई 250 प्लस है। What is the difficulty level of AAFR? डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपने FAR 2 लेवल पे भी कवर किया था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप CA फाइनल लेवल पे कवर करोगे। लेकिन शायद आपने FAR 2 लेवल पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई 5-10% एरिया कवर किया होगा, यहां आपने रिमेनिंग 90-95% एरिया कवर करना। FAR 2 लेवल पे आपने कंसोलिडेशन कवर किया था, यहाँ भी आप कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, लेकिन वहां शायद हमने कंसोलिडेशन का कोई 20-25% एरिया कवर करा है, रिमेनिंग 70-75 एडवांस लेवल के एरिया हम CA फाइनल में कवर करेंगे। तो मेजॉरिटी स्टैंडर्ड्स तो वही हैं जो आपने FAR 1 और FAR 2 लेवल पे पढ़े, लेकिन उनका एडवांस वर्जन आप CA फाइनल में कवर करोगे। और कुछ हमारे पास अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स ऐसे भी हैं जो कि आपकी FAR 1 और FAR 2 के कोर्स का पार्ट भी थे, और वो भी आपको CA फाइनल में कवर करवाए जाएंगे। Why study AAFR from SIRMQ at IQ School of Finance? अब अगर मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी या IQSF की बात करूं, तो अगर IQSF में आप CFAP 1 के लिए एनरोल करवाते हो, तो जितना कुछ भी इस कोर्स का कंटेंट है, जितना कुछ भी इस कोर्स से रिलेटेड मटेरियल है, जितना कुछ भी इस कोर्स को क्लियर करने के लिए कवरेज करनी चाहिए, वो सब चीजें इंशाल्लाह आपको एक वन विंडो सॉल्यूशन के तहत IQ प्रोवाइड कर रहा हूं। आपको कोई एडिशनल पास पेपर देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एडिशनल स्टडी मटेरियल देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई एक सिंगल पीस ऑफ पेपर भी एडिशनल देखने की जरूरत नहीं है। जितना कुछ आपके पेपर को क्लियर करने के लिए जरूरी है, इसमें बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें, इसमें हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स की बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एडवांस कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आईकेप के स्टडी डेक के सवाल की बात करें, ACCA के सवाल की बात करें, ICAW के सवाल की बात करें, और प्रोफेशनल बॉडीज के सवालों की बात करें, इसमें हम आईकेप के पास पेपर्स की बात करें, सारा कुछ इंशाल्लाह आप लोगों को इस CFAP 1 के कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा होगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ SIRMQ। पहले मैं डिस्कस करता हूं अपनी मोड ऑफ टीचिंग के बारे में। IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में ये बेसिकली जो FFR की क्लासेस है, ये हाइब्रिड फॉर्म में कंडक्ट की जाती है। अगर आप FFR के लिए खुद कोई रोल करवाते हो, तो आपके पास डे वन से रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, यानी कि अगर आज आप एनरोल करवाते हो, तो आज आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे, और आप अपने पेज पे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी मसरूफियात के हिसाब से इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कवर करना शुरू कर सकते हो। सेकेंडली, हर वीकली या वीकेंड पे हमारे पास जो है ना फिजिकल क्लासेस भी कंडक्ट हो रही होती है, हमारी लाइव क्लासेस भी कंडक्ट हो रही होती है, जिसमें आप फिजिकली या ऑनलाइन जो है ना लाइव पार्टिसिपेशन के थ्रू भी क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं। और थर्डली, फिर हम ये करते हैं कि हम 2 वीक्स के बाद, 3 वीक्स के बाद एक Q&A सेशन भी कंडक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें अगर आपकी सेल्फ स्टडी, आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर से कवरेज कर रहे हो और आपकी क्यूरीज वगैरह इकट्ठी हो जाती है, तो वो आप Q&A सेशन में एड्रेस की जा सकती है। सोफिस्टिकेटेड LMS। इसके अलावा अगर मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूँ, बेसिकली पोस्ट कोविड सिचुएशन में हमने जितने भी ये CA फाइनल के सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन बैचेस कंडक्ट किए, तो इस 2-3 साल के अरसे में हमारे पास सारा मटेरियल एक बड़े ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में अवेलेबल हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं CFAP 1 की पोर्टल की बात करूँ, तो अगर आप CFAP 1 की पोर्टल पर देखेंगे, तो जितनी चीज़ें आपके कोर्स का पार्ट है, जितनी चीज़ें आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट है, वो सारी चीज़ें एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके पोर्टल पर प्लेस होंगी। कौन से स्टैंडर्ड को पहले कवर करना है, कौन से स्टैंडर्ड को बाद में कवर करना है, कौन से स्टैंडर्ड में दूसरे स्टैंडर्ड्स की एडजस्टमेंट आ रही होती है, इन लेक्चर्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि आपकी जो स्टडीज है वो आसान से आसानतर हो जाएगी। हमने लेक्चर्स को इस क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज किया है, हमने चैप्टर्स को इस वे में अरेंज किया है कि हर चैप्टर की आने वाले चैप्टर के साथ लिंकिंग बन रही होगी। जैसे जैसे आप कोर्स को आगे लेके जाओगे,
तो आप देखोगे कि पिछली चीजों के साथ चीजों का लिंकेज क्रिएट किया जा रहा होगा। और ओवरऑल कोर्स की कवरेज करने के बाद जब आप आओगे अपने ICAP के अटेम्प्ट वाइज पेपर के सॉल्यूशन के ऊपर, तो आपको इस कवरेज के बाद ICAP के पिछले 10-12 अटेम्प्ट के पेपर वाइज सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। मैं किसी भी अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं विंटर 18 खोलता हूँ, तो विंटर 18 में जो जो सवाल आए वो क्वेश्चन वाइज मेरे पास आ रहे होंगे। मैं समर 18 में जाऊँ तो समर 18 में जो जो सवाल आए वो क्वेश्चन वाइज उनके वीडियो सॉल्यूशंस मेरे सामने प्रेजेंट होंगे। यानी कि हर टॉपिक को भी एक प्रॉपर वे में अरेंज किया गया है। अगर आप टॉपिक वाइज चलना चाहते हो, अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज चलना चाहते हो, तो आप टॉपिक से कवर कर रहे हो। इन दी एंड अगर आप पढ़ने बैठते हो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हो, तो आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के अंदर जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि हर कॉन्सेप्ट का लेक्चर उस कॉन्सेप्ट के नाम के साथ उस चैप्टर की हेडिंग में आ रहा होगा, तो आप उसको इजीली जाके देख सकते हो। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है तो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन जाके देख सकते हो। ईयर वाइज अटेम्प्ट वाइज पेपर की प्रैक्टिस करनी है, आपके पास अटेम्प्ट वाइज पेपर के सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 ऑफ AAFR। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि इतना कुछ मैंने आने वाले 7-8 महीने में साल के अरसे में कवर तो करना है, इन चीजों को साथ साथ रिवाइज भी करना है, लेकिन मैंने डे एंड की प्रिपरेशन भी करनी है कि पेपर से 2 दिन पहले मैंने FFR को रिवाइज किस तरह से करना है, पेपर से 1 दिन पहले मैं कौन से बेंचमार्क सवालों को सॉल्व करूं जिससे मेरी रिविजन इफेक्टिव हो सके। तो अगर आप अपनी CA फाइनल की जो कि हमारी रेफरेंस बुक है, बेसिकली इसके 2 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, इसमें सारा कंटेक्स्ट, इसमें सारी थ्योरी, सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, सारे ICAP के पास पेपर्स, हर स्टैंडर्ड के ऊपर 2 पेजर 3 पेजर समरी नोट्स, ये सारी चीजें आपके पास एज अ वन विंडो सॉल्यूशन इन बुक्स में अवेलेबल होंगी। डेमो लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन आवर LMS एंड ऑफिशियल YouTube चैनल। अभी रिसेंटली हम लोग ने एक ये भी फैसिलिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए रखी है, कोई भी CFAP का कोर्स हो, आप इनके लेक्चर्स का डेमो एक्सेस ले सकते हैं। 10-12-15 दिन के लिए आपको ये एक्सेस दिया जा रहा होगा। इसमें आप अपनी तसल्ली के लिए कोई भी चैप्टर, कोई भी लेक्चर कवर करना चाहो, और वंस यू आर सेटिस्फाइड कि आप IQ के फैकल्टी की टीचिंग मेथोडोलॉजी से फ्रीक्वेंसी आपकी मैच करती है, IQ के टीचर की फैकल्टी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, तो फिर आप अपने मतलब खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल करा के यहाँ से इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ों को आंसर करने की कोशिश की है। इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज हो तो आप IQ के मैनेजमेंट से या मुझसे भी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके उनको रिजॉल्व करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।